अब आज जमशेदपुर की करें, जहां झारखंड जनतांत्रिक महासभा मेडिकल कॉलेजों में पिछले दो सालों में नामांकन बंद होने का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बताएं कि 2019-17 में झारखंड के तीन मेडिकल कॉलेज दुमका और पलामू में 300 छात्रों का नामांकन हुआ था, जिसके बाद से ही कॉलेजों में नामांकन बंद है और प्रदर्शनकारियों ने डीसी को मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें छात्रों के नामांकन नहीं होने की वजह से 600 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे। जो तीन मेडिकल कॉलेज बना है दुमका हजारीबाग पलामू में, ये 2019 में बना है, लेकिन 2019 में दाखिला हुआ, 20 में नहीं हो पाया और किसी कारणवश नहीं हो पा रही। इस बार भी जो कमियों को बताकर इस बार भी कम हो वैसे ऐसी स्थिति है। हम लोग का यही मांग है कि भाई जो पिछले 2019 में जो 300 बच्चों का दाखिला हुआ, 20 में नहीं हो पाया, 300 बच्चों का अधर में लटक गया, इस साल भी 300 बच्चों का भविष्य अधर में ना लटके, यही मांग है तीनों कॉलेज को जल्द से जल्द कमियों को दूर करके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।